हाथरस गैंगरेप केस की पीड़िता के जलते शव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं। इसी बीच एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप पर कथित रूप से लड़की के दाह संस्कार का लाइव वीडियो देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस तस्वीर की असली सच्चाई। तो याद दिला दे कि हाथरस में एक लड़की के साथ हुई बर्बरता के 2 हफ्ते बाद 29 सितम्बर को उसने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया और पीड़िता की मौत के बाद पुलिस ने रात में ही उसका दाह संस्कार करवा दिया। वहीं पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घर में बंद कर दिया और बिना उनकी अनुमति के जबरन उनकी बेटी का शव जला दिया, जिसके बाद इस घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। लोग यूपी पुलिस की संवेदनहीनता पर सवाल उठा रहे हैं और लड़की के जलते शव का तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल है। इसी बीच एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप पर कथित रूप से लड़की के दाह संस्कार का लाइव वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दें कि फेसबुक पर इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया है, हाथरस गैंगरेप पीड़िता को यूपी के पुलिस वालों ने कैसे जलाया, उसकी लाइव वीडियो देखता हुआ एक नकारा मुख्यमंत्री। जिसके बाद इस तस्वीर की जांच की गई और इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम में पाया गया कि पोस्ट में किया गया दावा झूठा है और इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। दरअसल असली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के परिवार से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वायरल तस्वीर को गौर से देखने पर ही साफ हो जाता है कि सीएम योगी के सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर दाह संस्कार के दृश्य को जोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले में जांच के दौरान रिवर्स इमेज सर्च और कीवर्ड की मदद से हमें योगी आदित्यनाथ की असली तस्वीर मिली जिसमें वे हाथरस की पीड़िता के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक हाथरस की घटना को लेकर देशव्यापी गुस्से को देखते हुए यूपी के सीएम ने पीड़िता के पिता से 30 सितंबर को बात की थी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था, जिसके बाद सीएम की असली तस्वीरों को कई मीडिया संस्थानों ने न्यूज एजेंसी ANI को क्रेडिट देते हुए छापा है। 30 सितंबर को ANI ने मूल तस्वीर का एक क्रॉप्ड वर्जन ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से बात की। बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खत्म होने के बाद ANI ने पीड़िता के पिता की प्रतिक्रिया भी ट्वीट की थी, जिसमें एजेंसी ने पिता के हवाले से लिखा था कि आज सीएम योगी से मेरी बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमें न्याय मिलेगा, ये सच है कि हम अपनी बेटी को नहीं देख पाए, आशा है कि हमें कम से कम न्याय मिलेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि सीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की असली तस्वीर को इंडिया टुडे, NDTV और एशियानेट न्यूज ने 30 सितंबर को छापा था। अब जाहिर सी बात है कि उन सभी तस्वीरों को ही डाउनलोड करके एडिट किया गया और फिर वायरल किया गया है। अब यह सब कौन कर रहा है, ये तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि चुनाव काफी करीब आ रहे हैं। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह सब क्या चल रहा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, यहाँ देश की एक बेटी के साथ उत्पीड़न हुआ और उसकी मौत हो गई, उसमें भी इन लोगों को घटिया राजनीति करनी है। अब इस राजनीति के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जस्टिस फॉर मनीषा, सेफ वुमेन, सेफ ह्यूमैनिटी, सेफ इंडिया। थैंक यू।